प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के इंग्लिश के चैप्टर इस्वरन द स्टोरी टेलर के साथ करेंगे और आज हम इस अध्याय के भाग 3 को समझेंगे और साथ साथ इस पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 11 में इंग्लिश का चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है We are not afraid to die if we can all be together। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिकैपिचुलेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, एंड देन वर्ड मीनिंग्स, एंड देन हॉरर स्टोरी, एंड देन ईश्वरन स्टोरीज इंपैक्ट। आइए अब हम रिवाइज करते हैं जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। ईश्वरन बिगिंस एन एनेक्डोट अबाउट एन एलिफेंट। ईश्वरन ने एक एलिफेंट के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी सुनाई जो कि उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड थी। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड स्टंपिंग एंड स्मैशिंग व्हाटएवर केम इन इट्स वे। एक दिन टस्कर वहां से भाग गया और उसके सामने जो भी आया उसने उसको कुचल दिया, स्मैश कर दिया। ईश्वरन एम्युलेट्स द मैड एलिफेंट बाय वर्किंग इट्स 3rd टोनेल। अब क्या हुआ कि ईश्वरन ने उस मैड एलिफेंट की बराबरी करने की सोची और उसके 3rd टोनेल पर उसने एक लकड़ी मारी। With Ishwaran around, Mahindra never felt the necessity of having a TV for entertainment. जब भी Ishwaran आसपास होता था, तो Mahindra को कभी भी किसी TV की जरूरत नहीं पड़ी entertainment के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि Ishwaran story सुनाने में बहुत ही माहिर था। आइए जानते हैं आज की वीडियो के introduction के बारे में। After hearing Ishwaran's horror story, Mahindra avoided looking out of his window. Ishwaran की horror story सुनने के बाद Mahindra ने window से बाहर झांकना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया। Mahindra experienced a low moon and a dark cloudy form clutching a bundle. और Mahindra ने experience किया, उसको लगा कि कोई धीरे से रो रहा है और उसके सामने कोई ऐसा डार्क क्लाउड है जिसने किसी बंडल को पकड़ा हुआ है। Resolving to leave the haunted place the very next day, और अगले ही दिन महिंद्रा ने डिसाइड किया कि वो इस मैटर को रिजॉल्व कर देगा उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर। आइए जानते हैं इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज फ्राइटेंड, मींस डरा हुआ। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये आदमी कितना डरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्टेड, मींस रोकना। जब ईश्वरन अपनी हॉरर स्टोरी सुना रहा था तो महिंद्रा डर गया और उसने
ईश्वरन को इंटरप्ट करने की कोशिश की ताकि वो हॉरर स्टोरी ना सुना सके। नेक्स्ट वर्ड इज फिगमेंट। फिगमेंट मीन्स काल्पनिक कथन। नेक्स्ट वर्ड इज सल्क। सल्क मीन्स नाराज होना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विंकलिंग मीन्स झिलमिलाता या फिर जगमगाहट। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री की लाइट्स कितनी जगमगा रही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मून मीन्स कराहना या फिर रोना। नेक्स्ट वर्ड इज प्राउलिंग मीन्स शिकार की खोज। नेक्स्ट वर्ड इज गटरल। गटरल मीन्स कंठ से उच्चारित स्वर। नेक्स्ट वर्ड इज क्लचिंग। क्लचिंग मीन्स पकड़ना। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे मम्मी ने इस बेबी को पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिंड। ग्रिंड मीन्स उपहास रूपी हंसी। मतलब कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं उस टाइम जब हम हंसते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रिंड। आइए जानते हैं अबाउट द हॉरर स्टोरी। समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। ईश्वरन बताता है कि कभी कभी उसको रात को भूत दिखाई देते हैं। घोस्ट ऑफ अ वुमन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स। और उसको एक औरत का भूत दिखाई देता है जिसने कि एक बेबी को अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ है। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। बट महिंद्रा एक्सक्लेम करता है कि भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब क्या होता है कि महिंद्रा को गुस्सा आता है और वो ईश्वरन को थोड़ा डांट देता है। तो महिंद्रा को लगता है कि शायद कुछ दिनों तक ईश्वरन उससे नाराज रहेगा। बट ही वॉज एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन महिंद्रा ने पाया कि ईश्वरन उतना ही चीयरफुल और टॉकेटिव है जितना कि वो पहले था। ईश्वरन स्टोरीज इम्पैक्ट। आइए जानते हैं ईश्वरन की स्टोरीज का महिंद्रा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। महिंद्रा वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। जिस दिन महिंद्रा ने ईश्वरन की हॉरर स्टोरी सुनी वो उस दिन रात को ठीक से सो नहीं पाया और वो बहुत बेचैन था। ही ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क व्हाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। महिंद्रा को रात का समय जब पूरा फुल मून हो वैसा सीन देखना बहुत ही अच्छा लगता था अपनी विंडो से। बट After hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window. लेकिन ईश्वरन की horror story सुनने के बाद जो कि एक female ghost के बारे में थी, महिंद्रा ने window के बाहर झांकना बंद कर दिया और avoid करने लगा। One night, Mahindra was woken up from his sleep by a low moon. और एक रात क्या हुआ कि कोई रोने की आवाज सुनकर महिंद्रा अपनी नींद से सडनली जाग गया। महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। और महिंद्रा इतना डर गया कि उसको पसीने आने लगे और वो अपने पिलो पे वापस पीछे लेट गया और उसकी धड़कने बहुत तेजी से धड़कने लगी और वो जोर जोर से सांस लेने लगा। महिंद्रा handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. और महिंद्रा इतना डर गया कि उसने इस मैटर को रिजोल्व करने के लिए अगले ही दिन पेपर्स थमा दिए अपने ऑफिसर्स को ताकि वो वहां से जा सके। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हॉरर स्टोरी जो ईश्वर ने
हॉरर स्टोरी सुनाई थी हमने, उसके बारे में जाना, एंड ईश्वरन स्टोरीज इम्पैक्ट, जो ईश्वरन की स्टोरीज का महिंद्रा पे इम्पैक्ट पड़ा हमने उसको भी समझा। तो आज हमने सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पेज नंबर 16 और 17 समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे जाके इसको दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। पिछली तीन वीडियो में हमने 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ा। आइए हम जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में ईश्वरन द स्टोरी टेलर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आइए जानते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। So, the first question is, in what way is Ishwaran an asset to Mahindra? Mahindra ke liye Ishwaran kyun valuable tha? Means, Ishwaran kyun itna important tha Mahindra ke liye? Aayye jaante hain iska answer. The author says so because Ishwaran provided a great company to Mahindra. ऑथर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महिंद्रा के लिए ईश्वरन बहुत ही अच्छा एक दोस्त था, बहुत ही अच्छी उसको वो कंपनी देता था, साथ देता था। He would chat with Mahindra at night when he returned from his work. और ईश्वरन जो है वो महिंद्रा के साथ रात को बातें भी करता था जब वो अपने ऑफिस से वापस आ जाता था। ईश्वरन वुड ऑल्सो एंटरटेन महिंद्रा बाई टेलिंग स्टोरीज, और ईश्वरन जो है महिंद्रा को स्टोरीज सुनाकर भी एंटरटेन करता था। Thus, with Ishwaran around, Mahindra never felt bored and never felt the necessity of having a TV for entertainment. और इसीलिए जब भी ईश्वरन आसपास होता था तो महिंद्रा को कभी भी बोर फील नहीं हुआ और उसको कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी की जरूरत नहीं पड़ी। आइए जानते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? ईश्वरन ने उस अपरूटेड ट्री को जो हाईवे पे पड़ा हुआ था उसको कैसे डिस्क्राइब किया, और ऐसा डिस्क्रिप्शन करके ईश्वरन लिसनर्स के लिए कौन सा इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे विद आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक वे। ईश्वरन अपनी डिस्क्रिप्शन शुरू करता है एक अपरूटेड ट्री की जो कि हाईवे पे पड़ा हुआ है, और वो अपनी डिस्क्रिप्शन ऐसे सुनाता है। पहले वो अपनी आईब्रो को उठाता है और अपने हाथों को बहुत ही ड्रामेटिक वे में घुमाता है। He would begin by saying that the road was deserted and he was all alone. और वो ऐसे शुरू करता है कि रोड बहुत ही खाली थी और वो अकेला था। Suddenly He spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. और suddenly उसको दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा जंगली जानवर जो कि रोड पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि वो जो uprooted tree है वो उसको एक जानवर की तरह दिखाई देता है, एक जंगली जानवर की तरह दिखाई देता है जो रोड पर फैला हुआ है। The effect he wants to create is suspense and a surprise ending. और ऐसा description करके जो ईश्वरन है
वो एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है और एक सरप्राइज एंडिंग क्रिएट करना चाहता है लिसनर्स के लिए। आइए जानते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपियर टू बी प्लॉजिबल? ईश्वरन टस्कर की स्टोरी कैसे नरेट करता है? क्या जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया वो एक्सेप्टेबल था? आइए जानते हैं इसका आंसर। ईश्वरन नरेट्स द स्टोरी विद अ प्रोलोग एंड देन हाउ ही इंजर्ड द थर्ड टो ऑफ द वाइल्ड टस्कर विद अ केन इन हिज हैंड। ईश्वरन अपनी स्टोरी को नरेट करते हुए शुरू करता है और बताता है कि कैसे उसने एक टस्कर के, टस्कर मींस बड़े दांतों वाला हाथी, एक टस्कर के थर्ड टो पर एक लकड़ी मारकर उसको इंजर्ड किया। द वाइल्ड टस्कर कोलैप्स्ड और जो वाइल्ड टस्कर था वो बेहोश हो गया। No, the story does not seem to be plausible because Ishwaran was a small boy at that time and the elephant described by him was very big. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टोरी ईश्वरन ने सुनाई वो बिल्कुल प्लॉजिबल नहीं थी। प्लॉजिबल मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि ईश्वरन उस वक्त बहुत ही छोटा बच्चा था जब उसने उस वाइल्ड टस्कर का सामना किया। आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर्स में ईश्वरन एक टीवी की कमी पूरी करता था? आइए जानते हैं इसका आंसर। The author says so because Ishwaran provided a great company to Mahindra. जो ईश्वरन है वो महिंद्रा के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी था, उसका बहुत ही अच्छा साथ देता था। Chatted with him at night when he returned from his work. और जो ईश्वरन है वो महिंद्रा के साथ बातें भी करता था रात को जब महिंद्रा अपने काम से वापस आ जाता था। टेल हिम स्टोरीज, और ईश्वरन जो है वो महिंद्रा को स्टोरीज सुनाता रहता था। सो महिंद्रा नेवर फेल्ट द नीड ऑफ हैविंग अ टीवी इन हिज लिविंग क्वार्टर्स, और महिंद्रा को कभी भी टीवी की कमी महसूस नहीं हुई जब वो अपने लिविंग क्वार्टर्स में रह रहा था। ही इंजॉयज Ishwaran's company and keeps him even after leaving the house. और इसीलिए महिंद्रा को ईश्वरन की कंपनी बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो उसको उसका काम खत्म होने के बाद भी अपने घर में, अपने लिविंग क्वार्टर्स में रखता था। महिंद्रा calls ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? महिंद्रा भूत और आत्माओं को एक काल्पनिक कथन बताता है, मतलब कि वो कहता है कि घोस्ट्स और स्पिरिट्स सिर्फ कल्पनाओं में होती है। What happens to him on a full moon night means के फुल मून नाइट के दिन उसके साथ क्या होता है? आइए जानते हैं इसका आंसर। On a full moon night, Mahindra sees an apparition सिमिलर टू ईश्वरन्स डिस्क्रिप्शन। जब फुल मून नाइट होती है तो महिंद्रा को वही भूत प्रेत दिखाई देता है जिसके बारे में ईश्वरन ने डिस्क्राइब किया था। ही एक्सपीरियंस्ड
करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से नरेटर अपनी फैमिली के साथ एक जर्नी पर निकलता है और वो जर्नी ऑलरेडी जेम्स को 200 इयर्स पहले कर चुके हैं और नरेटर चाहता है कि वो उसे दोबारा से दोहराए, डुप्लीकेट करे, और इसी वजह से वो लोग जुलाई में इंग्लैंड से निकल चुके हैं। हमने इससे पहले वीडियो में उनकी जनवरी 2 के डे के बारे में बात करी कि जनवरी 2 को उन लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 3rd, जनवरी 4th एंड जनवरी 5th के बारे में कि आखिर 3rd, 4th और 5th जनवरी को उनकी जर्नी कैसी रही। चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3, अब नरेटर जनवरी 3 के बारे में हमें बता रहा है और बता रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने 2 आवर्स का रेस्ट ले लिया था रोटेशन करते हुए। इसके बाद वो हमें बता रहा है कि बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वॉटर लाइन कि अभी भी उनके शिप में कहीं पर बहुत बड़ी लीक थी जिससे पानी अंदर आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिप्स फ्रेम वर स्मैश और जब नरेटर ने नीचे जाकर चेक किया तो उसने पाया कि जो बोट के मेन रिप्स फ्रेम है वो सब टूट चुके हैं। आगे नरेटर अब हमें बता रहा है कि वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट यानी कि जो सबसे पहले तूफान में जिस वेव ने नरेटर की बोट को हिट किया था उसको अब 15 आवर्स हो चुके हैं और नरेटर ने ये 15 आवर्स सर्वाइव कर लिए हैं। अब नरेटर ने चार्ट्स देखे और कैलकुलेट किए और उसे पता चला कि आसपास ही यानी कि कुछ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर ईस्ट में 2 छोटे-छोटे आइलैंड है। इसके बाद ये जो ब्लैक बर्ड्स लिखे हुए हैं, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, ये जो फ्रेज है ये इंफेस्ट करता है द इनसिग्निफिकेंस ऑफ 2 small islands इन द वास्ट ओशन यानी कि इतने बड़े ओशन में वो बहुत छोटे छोटे आइलैंड थे जो कि अनइम्पॉर्टेंट थे, लेकिन नरेटर के लिए वो आइलैंड ही एक होप बन गए ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब जनवरी 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद नरेटर बात करता है जनवरी 4 की और हमें बताता है कि किस तरह से अब 36 आवर्स हो चुके हैं उन्हें पानी बोट से निकालते हुए और मैरी को नीचे से कुछ बीफ और बिस्किट मिल जाता है और आफ्टर 2 डेज के बाद उन्हें पहली बार कुछ खाने को मिलता है। ये उनका फर्स्ट मील था इन ऑलमोस्ट 2 डेज। बट नरेटर और उसकी फैमिली की ये पीसफुलनेस थोड़ी ही देर की थी क्योंकि एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन यानी कि 4 बजे फिर से काले बादल उनके ऊपर छाने लगे और बिफोर सनराइज ऑन जनवरी 5th आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। अब उन लोगों की सिचुएशन फिर से खराब हो जाती है बहुत, इसलिए नरेटर अपने बच्चों के पास जाता है उन्हें कंफर्ट करने के लिए। तो जो नरेटर का बेटा होता है वो अपने पापा से पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि क्या हम मरने वाले हैं। इस पर नरेटर उन्हें एश्योर करने की कोशिश करता है पर तभी नरेटर का बेटा बोलता है, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी सुई एंड आई, कि मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम लोग सब एक साथ हैं। और दोस्तों, यही से हमारे चैप्टर का टाइटल भी आता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई If we can all be together. इसके बाद नरेटर बोलता है कि That evening Mary and I sat together holding hands. उस शाम को मैरी और नरेटर एक साथ अपने हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं।
और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनका एंड नियर हो, यानी कि उनका अंत बहुत करीब हो। और वही दूसरी तरफ जो नरेटर की डॉटर होती है सुजेन, उसका हाफ साइड हेड का काफी ज्यादा सोलन हो चुका होता है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुकी होती है। She gave me a card she had made, और वो अपने फादर को एक कार्ड देती है जो उसने खुद बनाया होता है। Next, I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected. यानी कि नरेटर अब अपनी कैलकुलेशंस चेक कर रहा होता है कि कहां पर एग्जैक्टली वो आइलैंड है, और नरेटर अपनी कंपास भी खो चुका होता है जिससे वो आइडिया लगा सकता है कि किस तरफ वो आइलैंड है, और इसी वजह से अब वो एक पुराने कंपास को यूज कर रहा होता है। अब नरेटर उस टूटी हुई कंपास से, उस पुराने कंपास से ही पता लगाने की कोशिश करता है कि इंडियन ओशन के किस फ्लो पर आखिर वो आइलैंड है। इसके बाद जोनाथन अपने फादर के पास जाता है और बोलता है, Can I have a hug? इस पर नरेटर पूछता है, Why am I getting a hug now? कि तुम मुझे इस वक्त क्यों हग कर रहे हो? इस पर जोनाथन बोलता है, Because you are the best daddy in the whole world and the best captain. जोनाथन अपने फादर को रिप्लाई करता है। इस पर नरेटर बहुत सैड वॉइस में बोलता है कि Not today. तो उसकी जो डॉटर होती है सुजेन, वो बोलती है, Why? You must be. You found the island. कि आपको होना चाहिए क्योंकि आपने आइलैंड फाउंड कर लिया है। और नरेटर फटाफट भागकर डेक पर जाता है और हमें बताता है, It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. कि बहुत छोटी सी पीक ही अभी उसे दिख रही होती है और वहाँ पर बहुत थोड़ी वेजिटेशन होती है, पर उसके लिए वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। और रात के समय वो लोग उस आइलैंड पर लैंड करते हैं। अगली सुबह 28 इनहैबिटेंट्स जो उस आइलैंड पर पहले से रहते होते हैं, वो उन्हें आकर हेल्प करते हैं। और फाइनली नरेटर और नरेटर की फैमिली लैंड पर होते हैं। फाइनली नरेटर सोचता है, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. कि उस 7 साल की लड़की जिसके सर पर इतनी चोट लगी हुई है, फिर भी वो नरेटर को नहीं बताती कि उसकी चोट लगी हुई है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती होती। और वही उसका 6 साल का बेटा जो कि डरता नहीं है मरने से, क्योंकि उसके फादर, उसकी मदर और उसकी बहन सब उसके साथ है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना January 3rd एंड January 4th एंड 5th के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने क्या नए चैलेंजेस फेस किए, किस तरह से एक ऐसा टाइम आ गया था कि उन्हें लगा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे, और फाइनली वो एक आइलैंड पर पहुंच गए, और किस तरह से सुजेन और जोनाथन ने अपनी ब्रेवरी हमें इस चैप्टर के थ्रू दिखाई। ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से। तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर अब जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, तो आप एक बार इसे दोबारा जरूर पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय के अध्याय ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर को पढ़ा, और इसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर को पढ़ा। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे से। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं, तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।